तो हम बात करते हैं कि आखिर एडवांस सेक्शन होता क्या है, क्या वो अलग कोई फीचर होता है या कोई अलग ऑप्शंस होते हैं। देखिए, एडवांस एक्सेल एक एक्सेल का यूज करने का तरीका होता है। कमांड को किस लेवल पे आप यूटिलाइज कर रहे हो वो आपको, जैसे मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स में आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड यही चलता है ना सर। मैथमेटिक्स पूरी सी पे आधारित है, चाहे जो भी आप कैलकुलेशन करते हो सारा यही चार वर्ड पर आधारित बराबर। है। तो यहां पे हम बात करते हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में दो कैटेगराइज करते हैं, जनरल मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स करते हैं ना। सेम चीज से एक्सेल भी है कि इसके नॉर्मल ऑप्शंस और एडवांस, नॉर्मल एक्सेल और एडवांस एक्सेल। जैसे एग्जांपल की बताता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया है, यहाँ पे 30 टाइप किया, राइट। अब इस 20 को मैंने कॉपी किया और 30 के ऊपर हमने पेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, 30 20 से रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बराबर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसमें राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि हमें पेस्ट में कौन कौन पार्ट और अलग क्या पेस्ट करना है उसके एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें यहाँ ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेशन में बाय डिफॉल्ट नन होता है। अगर मान लीजिए मैं ऐड पे क्लिक किया तो अब क्या होगा कि पेस्ट नहीं होगा, जहां से कॉपी हो रहा है जहां से पेस्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट आपको 30 की जगह पे पेस्ट होगा, मतलब कि अब 30 जो है वहां पे 50 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। जैसे एक बार और बताता हूँ कि 30 है और यहाँ पे 15 है। अब मैं 15 को कॉपी कर 30 के ऊपर पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लिया। अब 15 और 30 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट जो है 30 को रिप्लेस करेगा। क्लियर है, बराबर है। ये तो आपने सीखा बेसिक कंसेप्ट कि हाउ कैन यूटिलाइज योर ऑप्शंस, कि आप ऑप्शंस को कैसे यूज करोगे, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका तरीका है, राइट। अब राइट। इसको बेसिक एक्सेल कहा जा सकता है। अब बात करते हैं एडवांस एक्सेल। अब एडवांस एक्सेल, इसी टॉपिक को मैं एडवांस एक्सेल में क्या करूं, कैसे करूं। सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी परसेंटेज के बारे में समझाएंगे, परसेंटेज क्या। अगर मान लीजिए मुझे A1 के ऊपर 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल लगेगा, आ जाएगा 20%। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 20 टाइप कर दिया और बाद में कभी इसको सिलेक्ट कर हमने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिया तो यहाँ 2000% हो जाएगा। रीजन, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% 1 = 100% होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 20 बाद में लिखना चाहता हूं तो मुझे 20% बाद में, परसेंटेज का सिंबल बाद में देना चाहता हूं तो यहां पे 0.20 करना पड़ेगा, 0.20 टाइप करना होगा। अगर इसके बाद हम परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक करें तो ये 20% हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। क्योंकि जो भी परसेंटेज आप टाइप करते हैं वो डिफॉल्टली डिवाइड बाय 100 हो जाता है, क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम डिवाइड 100 करते हैं या मल्टीप्लाई 100 करते हैं, दोनों रूल में होता है। परसेंटेज या फिगर दोनों निकालने में हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, डिवाइड 100 या मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज वैल्यू दोनों कैलकुलेशन। बट एक्सेल में हमें ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि एक्सेल में जैसे आप परसेंटेज में टाइप करते हो वो डिफॉल्ट डिवाइड बाय 100 हो जाता है। जैसे 20% हमने टाइप किया, आप यहां अगर इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 0.2 दिखेगा, क्योंकि आता अर्ली डिवाइड हो जाता है कैलकुलेट। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरे एक कलीग है जो कि मुझे कुछ डेटा भेजते हैं,
डेटा मुझे नंबर फॉर्मेट में भेज देते हैं, लेकिन उनकी अकॉर्डिंग ये होता परसेंटेज है। जैसे कि 85 उनके लिए 85% है, लेकिन एक्चुअली में 85 नंबर है। अगर मान लीजिए मुझे 500 का 85% निकालना है, तो 85 में परसेंट का सिंबल अगर लगा देते हैं 85 आ गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने 85% को परसेंट फॉर्मेट में रखा हुआ है। अगर इसी को नंबर फॉर्मेट में रख के इसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास कुछ और आएगा। बराबर। तो मुझे यहाँ डिवाइड बाय 100 करना होगा, जो कि मैथमेटिक्स में हम करते हैं, तब जाके रिजल्ट प्रॉपर आएगा। अब यही प्रॉब्लम आ गई कि मुझे इसको जहां यूज करना है वहां पे मेरा फॉर्मूला जो कि लगा हुआ है ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा है। अब मैं दो तरीके, या तो मैं अपना फॉर्मूला चेंज करूं या मुझे इस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। फॉर्मूला मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ और भी डेटा की फॉर्मूला लगा हुआ है, तो चेंज करूंगा तो मुझे बाकी सबको परसेंटेज में कन्वर्ट वगैरह परसेंटेज से नंबर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 लोगों का इस तरह का डेटा आता है, 9 लोग मुझे परसेंटेज में ही भेजते हैं, तो उनका मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब एक लोग जो है मुझे इस तरह का नंबर भेजता है, अब एक लोगों के लिए मुझे 9 लोगों का डेटा वापस चेंज करना पड़ेगा। बराबर। सो मैं यहाँ पे मैं क्या मैं करना चाहता हूँ, डेटा ही चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर आप मैनुअली चेंज करोगे तो 85 पे 85% देना होगा, राइट? इस तरह से। अब डेटा आपके पास अगर 20-25 सेल में है तो यू कैन मैनेज, लेकिन अगर मान लीजिए 5-10,000 रो है, 10-20 कॉलम्स हैं, तो डेटा को इस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने अभी अभी जो मैंने पेस्ट स्पेशल में जो ऑपरेशन के बारे में समझाया था उसका यूटिलाइज करेंगे। हम एक सेल पे 100 टाइप हो और फिर इस 100 को हम यहाँ राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल और यहाँ हम डिवाइड को सिलेक्ट करें, तो हर नंबर को जो 100 में डिवाइड एक ही बार में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, राइट सर? राइट। तब ये डेसिमल में आ गया। अब इसके ऊपर हम परसेंटेज का सैंपल अप्लाई करेंगे और हमारा पूरा डेटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। बराबर, सही है, ठीक है सर। तो ये होता है एडवांस एक्सेल का मेथड। ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा चीज आपको बताया है, लेकिन एडवांस एक्सेल में इसी तरह से हम फीचर्स को यूटिलाइज करते हैं ताकि हमें और ज्यादा बेनिफिट्स मिले। अगर एडवांस एक्सेल की एक और एग्जांपल आप जानना चाहे तो चलिए हम बताते हैं। सर मेरे को एक ये है, हम अभी क्या करेंगे, क्या क्या हमने हमारा कोर्स का जो फीचर रहेगा क्या क्या रहने वाला है, कवर क्या क्या होने वाला है, वो सारा और... चीज मैं आपको समझाता हूँ। पेशेंस, हाँ। पहले मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअली में एडवांस एक्सेल है क्या, ताकि आप समझ जाएं कि एडवांस एक्सेल के लिए कोई अलग चीज नहीं है, जो हमारे नॉर्मल एक्सेल के अंदर जो फीचर्स दी गई है उसी फीचर्स को तरीके यूज करना एडवांस एक्सेल कहलाता है, राइट? अब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको यहां दिया, अभी क्या है कि हर महीने की हमारी सेल आई, राइट? अब ये मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, और ये आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, लेकिन वो समझ लीजिए कि आपके पास एक कॉलम्स बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब मुझे इसमें अगला काम क्या करना है कि मुझे एक कॉलम ऐड करना है, यहाँ परसेंटेज का हेडिंग देना है, और मान लीजिए कि मेरा टारगेट 70 था तो हर नंबर को 70 से डिवाइड करना है और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करके फिर परसेंटेज में अप्लाई कर देना। अब इस तरह की काम अगर करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक कॉलम को करने में कितना भी स्पीड क्यों ना हो 40 सेकंड तो लगेगा। अब मान लीजिए कि डेज वाइज पूरे साल का कॉलम है तो तकरीबन आपको घंटे 2 घंटे का टाइम लग सकता है। बराबर।
अब इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं। आपने शॉर्टिंग डेटा यूज किया, जानते ही होंगे शॉर्टिंग क्या करता है, किसी सीक्वेंस में शॉर्ट करता है। अब इसी शॉर्ट का हम कैसे यहां यूटिलाइज कर घंटों काम को कुछ मिनट में कर रहे हैं। हमने एक रो इंसर्ट किया और यहां पे सीक्वेंस नंबर दिया 1 2, इसको ड्रैग कर देते हैं ताकि पूरा सीक्वेंस आ जाएगा और इसी को कॉपी कर यहां हम रिपीट कर देते हैं। और जहां पे कॉलम ब्लैंक है जो मंथ वाला नेम, मंथ वाला कॉलम है, उस पे हम परसेंटेज का हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, अब इस पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम शॉर्ट में जाते हैं। देखिए शॉर्ट के अंदर ऑप्शन होता है, ऑप्शन में होता है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। अब इस लेफ्ट टू राइट को हम सिलेक्ट करेंगे और ये हम कॉलम बाय शॉर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक रो आपको मिल जाएगा। मिल गया, अब इस नंबर को डिलीट कर देता हूं। अब जो ब्लैंक्स है मुझे सब में इस तरह से डिवाइड बाय 70 करने। अब इसमें भी 1 by 1 करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आधा काम तो हमने कर दिया, हमने कॉलम इंसर्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन की बात आती है, एक एक करके कैलकुलेशन करना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फाइन एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल में एक होता है ब्लैंक। एक क्या करता है कि जो सिलेक्टेड डेटा है उसमें सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट कर देता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके डिवाइड बाय 70 कर और इस बार नॉर्मल एंटर भी पेस्ट करना है। तो होता है क्या है कि एक सिलेक्टेड एरिया में कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, टाइप करके एंटर मारोगे तो कर्सर नीचे आएगा, लेकिन टाइप करके आप कंट्रोल एंटर पेस्ट करेंगे तो उस चीज को कॉपी करके पूरा सिलेक्टेड एरिया में पेस्ट कर देगा। तो यहां ये करना है कि मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 70 और नॉर्मल एंटर ना प्रेस कर कंट्रोल एंटर पेस्ट करूंगा तो इस सारा को कॉपी पेस्ट कर देगा एंड परसेंटेज में कन्वर्ट कर। तो ये होती है एडवांस एक्शन। अब चलिए आपके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि क्या क्या चीजें कवर होगी। तो इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे विजिट करना होगा। तो सुशांत जी मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर ना? हाँ हाँ क्लियर है, मैं सुन रहा हूँ। तो इसके अंदर देखिए मेरे पास, मैंने बताया था फोन पे बताया था कि मेरे पास बेसिकली दो तरह की क्लासेस है, एक लाइव क्लासेस, दूसरा रिकॉर्डेड क्लासेस। तो रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च करेंगे तो ये आएगा, उसके अंदर आपको आता है। या फिर आप app.iptindia.com दिख रहा है वेबसाइट करेंगे और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे इसे ओटीपी के साथ तो ये आपका आता है, जिसके स्टोर में मेरे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। इसको लेने के बाद इसी के अंदर आप परचेज कर देख सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, सिंपल सा। तो फिलहाल हम रिकॉर्डेड सेशन पे ना जाते हैं, जैसे ऐसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, हम आते हैं लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस पे क्लिक करते हैं तो इनमें लाइव क्लासेस का आ जाता है। तो जो हमारी आपसे बात हुई है कोर्स की है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स फॉर एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। अच्छा, अब इसको ओपन कर, इसको ओपन करते हैं। इसमें ऐसे है क्या बता देता हूं आपको, इसमें आपको एक्सेल है, वीवीए है, एक्सेस है, सीक्वल है एंड डैशबोर्ड है। तो इसकी जो बात करें एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला है, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग है, एमएस एक्सेस डेटाबेस है और यहाँ पे आपका एसक्यूएल क्यूरी है, यहाँ पे डैश रिपोर्ट ऑटोमेशन है, यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएशन है। अब यहाँ पे देख क्लिक करके आप इसकी चीजें देख सकते हैं या फिर यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पे जाएंगे तो ये आपको अलग से एक पीडीएफ खुलेगा। अब चार सेक्शन देख सकते, अब इसमें आपका एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला है, इसमें आपका वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, इसका आपका अंदर वीवीए सीक्वल है। अब सीक्वल इसमें हम एक्सेस के साथ सीक्वल क्यूरी सिखाते हैं, सीक्वल सर्वर नहीं सिखाते हैं, ठीक है।
अब सिक्वल क्यूरी सीखना क्यों जरूरी है? सिक्वल क्यूरी आपका सिक्वल सर्वर पर भी सेम यूज होता है, लेकिन क्या होता है कि हर किसी के पास सिक्वल सर्वर नहीं होती है प्रैक्टिस करने के लिए, बराबर, इसलिए हम उसकी प्रैक्टिस जो है एक्सेस और वीवीए में कराते हैं। तो जिसके चार आपके पॉइंट है, पहला आपका एडवांस सेक्शन है। अब एडवांस सेक्शन की चीज साथ क्या क्या कवर्ड है वो आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के साथ क्या क्या कवर है, ये आपका सेक्शन पार्ट टू है, ये आपका दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपका कवर है, और नीचे जब आएंगे तो आपका चौथा मिलेगा डैशबोर्ड रिपोर्ट क्रिएशन। ठीक है सर? ठीक है, ओके। तो चार स्टेप्स है क्लासेस। हर टॉपिक को जैसे मैंने अभी समझाया आपको पेस्ट स्पेशल वाला, कि हर टॉपिक को हम बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे एवरी टॉपिक। ठीक है सर, अभी क्या है, मैं अभी अकेला हूँ, कोई नया ज्वाइन किया तो उनको फिर से शुरू से स्टार्ट होगा? नहीं, देखिए क्या होता है कि हमारा जो है और 3-4 दिन का बफर टाइम होता है, 4 दिन के अंदर कोई ज्वाइन करता है ठीक है, अदरवाइज क्लासेस कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, अब जैसे होता है क्या, दो तरह के लोग ज्वाइन करते हैं, एक तो हमारा न्यू स्टार्टर होता है। अब जैसे कि आपको मैं चीजें समझा रहा हूँ, अगर मान लीजिए 5 दिन बाद कोई कहता है कि सर मुझे ज्वाइन करना, तो मैं बोलूँगा 6:30 का बैच है, उस बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए, उस बैच की 4 क्लासेस हो गई है। अब 4 क्लासेस के हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख के रिकवर कर लें, या फिर आपको हम सैटरडे संडे के एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। बैच में कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट? दूसरा, बीच में से कुछ लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे जो हमारे माने कि दूसरे किसी बैच से होंगे या फिर हमारे पुराने स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ फ्री रीज्वाइनिंग का ऑप्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पिवट टेबल आप बिल्कुल भूल चुके हैं, आपने मुझे फोन किया कि सर मैंने आपसे 6 महीना पहले क्लास लिया था, 1 साल पहले क्लास लिया था, और मुझे पिवट टेबल भूल गया, मैं आपको पहला ऑप्शन दूंगा कि आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिए। आप बोलो नहीं सर मुझे कुछ डाउट्स भी है पिवट टेबल से रिलेटेड, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है, मैं फलाने तारीख को इतने टाइम पे हम पिवट टेबल की क्लास ले रहे हैं, आप आ जाइए। तो हम जो होगा, हमें क्या होता है कि पढ़ाने के लिए हमें कोई एग्जाम्पल चाहिए होगा, पिवट टेबल पढ़ा रहा हूँ, पिवट टेबल के लिए कोई एग्जाम्पल तो चाहिए हमें। हम जो मनगढ़ंत एग्जाम्पल यूज करेंगे उससे अच्छा है कि हम आपकी लाइव प्रॉब्लम को अपना एग्जाम्पल बना, समझ गए? सर मेरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं मेरे जो एंड ऑफ द 4 मंथ में मैं क्या सीखना चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे कुछ डाटा है, सपोज 10 प्लांट का डाटा है, मेरे को कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आता है, मैं क्या करता हूँ उसको एक एक बेड कर स्प्लिट करता हूँ। सपोज आपका लोकेशन 1, 2, 3, 4 to 10 तक है, मैं जाता हूँ पूरा कंसोलिडेटेड शीट लेता हूँ, 1 को फिल्टर करता हूँ, बाकी को डिलीट करता हूँ और सेव कर लेता हूँ, फिर से 2 को फिल्टर करता हूँ, डिलीट करके फिर से सेव करता हूँ। मेरे को वीवीए के माध्यम से उसको, इसके लिए आपको वीवीए पे जाने की जरूरत नहीं है सर, तो पिवट टेबल से भी हो जाएगा। देख कैसे होता है बताता हूँ आपको। नहीं, मेरे को सर 2 मिनट में डिटेल, मेरे का जो रिक्वायरमेंट है मैं ये कर देता हूँ। उसमें क्या हो जाएगा, सारे का सारा शीट सेपरेट होगा और वर्कबुक सेपरेट सेव हो जाएगा। देखिए वीवीए का इस्तेमाल हम करते हैं ऑटोमेशन के, जो काम हम मैनुअल करना नहीं चाहते उसके लिए हम वीवीए कोड करते हैं। ना वो तो अलग से रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेशन का जो भी हम कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट है, ये रिपोर्टिंग पॉइंट है भी वो बता रहा हूँ, और उसका सेपरेट सेपरेट वर्कबुक होके और उसको नेमिंग होके सेव होना चाहिए। सेकेंड चीज है कि कुछ एक्टिविटी है, हम रिपीटेड एक्टिविटी हम मैनुअली कर रहे हैं, जिसके वीवीए का कोड के माध्यम से हम एक बार ट्रिगर कर लिया तो वो कैलकुलेशन हो जाएगा मतलब। और थर्ड वाला हो रहता है, मेरा रिक्वायरमेंट है मैं डैशबोर्ड अच्छा से प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, और खुद का रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ, जैसे डायनामिक डैशबोर्ड। और कुछ है गूगल शीट का, जैसे एक्सेल का बेसिक मेरे को पता है, जैसे गूगल शीट का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, गूगल शीट में कैसे जितना फीचर है गूगल शीट। गूगल शीट की तो हमारी एक अलग क्लास होती है,
गूगल सीट इस टॉपिक कोर्स में गूगल सीट इंक्लूड नहीं होगा। अगर गूगल सीट करना चाहते हैं तो गूगल सीट की अलग से कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ये सभी चाहिए। और पावर पिवट टेबल का थोड़ा इस्तेमाल, मतलब नॉर्मल पिवट टेबल में जो आता है तो पावर पिवट टेबल उसको प्रेजेंटेशन किसको डाटा एनालिसिस कैसे करना है उसको हम सीखेंगे। इतना मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट।